ત્યારે દાદરા નગર હવેલી 22 ફળિયામાં આવેલ શિવ પ્રકાશને મેમોરિયલ સ્કૂલમાં નરેન્દ્ર મોદીના સ્વચ્છતા અભિયાન બતાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના સિલવાસના બાળકો તેમજ શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો. આ તકે બાળકો ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક સ્વચ્છતાના નારા લગાવ્યા હતા, જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા પખવાડિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. जो हमारी नगर पालिका विस्तार है पूरा दादरा नगर हवेली है वो पूरा हम साफ सुथरा रखते हैं. वो आज हम पूरा जनता को एक मैसेज दिया है और हम खुद और जितने हमारे यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं वो रोज़ एक घंटा श्रमदान देंगे और मैं खुद भी आज से मैंने चालू कर दिया है, मैं एक घंटा रोज़ श्रमदान दूँगा कहीं ना कहीं. ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय साथ साथ माननीय संसद महोदय का आदेश बच्चों को मैंने बोला है कि बच्चे हमारे भविष्य है, तो स्वस्थ अभियान से हम सब लोग जुड़े. कि मेरा ये मानना है अगर स्वस्थ देश रहेगा, साफ सुथरा देश रहेगा तो स्वस्थ मन का विकास होगा, स्वस्थ मन का विकास होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, इससे हमारा उज्ज्वल भविष्य तैयार होगा, आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आगे जाए और हमारा भारत हमेशा स्वस्थ रहेगा.